129 पे ऑल टीम जोनसिया आउट हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये भजन जानबूझ कर हारे हैं, हमें ये पता है। अच्छा, जानबूझ के? हाँ जी, ये जीतना चाहते हो, इनके लिए स्कोर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ दो लफज ही बोलूंगा कि इनसे छी जो है ना वो खोता बेहतर कर जाता है। बॉलिंग बहुत ही बुरी की है, बहुत ही कोहली उनके जो इंडिया जी कोहली बहुत शानदार खेल पेश किया उन्होंने। इंडिया वालों की वजह से बहुत बुरा, क्या इंडिया की वजह से आ रहे हैं? अच्छी कारकर्दगी की है उनकी, वो तारीफ के लायक है। खिलाड़ी कोई भी है तारीफ होनी चाहिए। जो केएल राहुल ने भी सेंचुरी की है, जाहिर है जो भी है माशाल्लाह जितने भी खिलाड़ी हैं इंडिया के, ठीक है जी, जाहिर है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी की है तो जाहिर है दाद देनी तो बनती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो उनसे बैट्समैन है ना वो ऐसे गए हैं कि चल जाए तो चल जाए, ना चले तो कोई तुक्का ही है। ऐसे ही दिल मायूस हो गया, दिल नहीं करता मैच देखने। 128 129 पे ऑल टीम जोनसिया आउट हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये भजन जानबूझ कर हारे हैं, हमें ये पता है। अच्छा, जानबूझ के? हाँ जी, ये जीतना चाहते हो, इनके लिए स्कोर कुछ भी नहीं है। ये आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के हारे हैं, साजिश है, क्या वजह समझते हैं? भैया बच्चों को पता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सबको समझ चल गई है, पता चल गया सबको ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, जरा बताएं देखने। बस ये गलत बात है ना, ये तरीका नहीं है, आवाम का वक्त इतना जाया करते हैं भाई। सब लोग इसे इनके लिए जोड़ते हैं, काम धंधा जोड़ते हैं, ये देखते हैं मैच। सर हम यही कहेंगे कि पिछला मैच जो इंडिया के साथ खेले थे हम अच्छा खेले थे, ठीक है, आज बैड लक रही है हमारी, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रेशर था उन पे भी था, उन पे हम पे आपको लगता है उन पे प्रेशर था जिस तरीके से वो सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहे हैं, प्रेशर हमारे खुल गए, खेड़े ना खुल गए हो। अच्छा जी, दो खेड़े ना कम से तो है ना ही ऐसे ही है, ये तो आखिरी दो प्लेयर भी नहीं आए खेलने के लिए, टेपड़े पे कर दिया, 20 ओवर लग गए ने, मगर की रह गया, ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा मैं ना दो छक्के ला दे रहे हैं जी। इनसे अच्छी लीड जो है ना वो खोते कर जाते हैं, नहीं फिर भी हमारे हमारे हीरो हैं। नहीं भाई वो ठीक है, हमारे हीरो हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ दो लफज ही बोलूंगा कि इनसे अच्छी जो है ना वो खोता बेहतर कर जाता है, ठीक है बस। आप क्या समझते हैं भाईजान, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। बात ये है भाईजान के कोलंबो में मैच किस लिए रखा है इन्होंने, पाकिस्तान में कराना चाहिए था मैच, ये जो है कोलंबो या कोलंबो नहीं रखना चाहिए, एशिया कप होना चाहिए दुबई के बीच, पाकिस्तान में मैच। हमारे बॉलर्स ने आज ना वो रिदम नहीं पकड़ा, उस लाइनो लेंथ पे बॉलिंग नहीं की है, जिस वजह से आज का मैच ना हमारे लिए टफ बना। यही वजह है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में हम लेट्स सी ये गलती ना करें। क्या जज्बात है इस टाइम भाई, दिल चाहते सर फाड़ दें इनका सबका। अच्छा हाँ, ये चाह रहे जज्बात, हम ऐसे हमारे जज्बात इस टाइम ऐसे हैं, एक मैच हारने से सर फाड़ बंद करके मैच देने, अबे ये मैच नहीं खेलना की करना ना, कारोबार बंद करके मैच देखा जा रहा है। क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, लेकिन टीम को ना सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। आज ये साल दो में ना हमारी टीम ने बेहतरी पकड़ी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मैच में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आज कोई ऐसी बॉलिंग नहीं, वो उस रिदम में बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे, बॉलिंग बहुत ही बुरी की है, बहुत ही कोहली उनके जो इंडिया जी कोहली बहुत शानदार खेल पेश किया उन्होंने, अच्छा बैट्समैन है वो। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 5 विकेटें ली हैं, वो अच्छा उसने आज अच्छा पांच विकेट ला गया, मगर वह नाम ला गया, एना की करना कख भी नहीं, ठीक है। उसने आज अच्छी लाइनो लेंथ पे बॉलिंग की है, स्पिन अच्छा हो रहा था आज विकेट पे। मैच देखा है? जी देखा, देखने लायक था, बहुत बुरी हुई है भाईजान। नहीं क्या वजह है ये, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि मैच हारे हैं, हम ये कहेंगे कि मैच खेला ही नहीं है शायद, इंडिया वालों की वजह से बहुत बुरा, क्या इंडिया की वजह से हारे हैं, पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा कि आज का मैच कल पे पड़ा है, ठीक है, इस दफा जिंदगी में देख रहे हैं कि कल का मैच आज। आपको क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल से कोई साजिश हो गई है, आईसीसी वालों की तरफ से ये साजिश है, ठीक है, बारिश हो रही है और मैच शुरू हुआ है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, भाई को भी मैं पहले यही बोल रहा था कि अगर बारिश की वजह से हम हारे तो बारिश तो इंडिया वालों के लिए भी हुई है ना, हुई है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो वो अपनी क्या कहते हैं खेल लिया हुआ था, अपनी जो स्कोर अपनी रनिंग उन्होंने पूरी कर ली थी, लेकिन इनका भी हक बनता है ना अपनी कारकर्दगी पूरी दिखाते, अपनी आवाम को खुश करते। ये बात तो हमने है। कामों से छुट्टियां की हैं, 2000 2000 की दिहाड़ियां तोड़ी हैं, जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं उसके बावजूद ठीक है, और जो हमने कमाना है वो भी खाना है शाम को लाके, और मैच देखने के लिए हमने इनकी छुट्टी की है, तो इन्होंने हमें ये सिला दिया है। क्या समझते हैं इंडिया के साथ ही हम हर दफा ज्यादातर प्रेशर में क्यों आ जाते हैं? बिल्कुल, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बड़ा टिकटी खेलते हैं, जब भी आते हैं इन्होंने टॉस जीती है और उनको दावत दे दी है, इनको खेलना चाहिए था पहले, खेलना नहीं देनी चाहिए, ठीक है। कोहली के बारे में क्या कहेंगे? इसके अलावा जो सर वो उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है,
उनकी वो तारीफ के लायक है। खिलाड़ी कोई भी है तारीफ होनी चाहिए। जो केएल राहुल ने भी सेंचुरी की है, जाहिर है जो भी है माशाल्लाह जितने भी खिलाड़ी हैं इंडिया के, ठीक है जी जाहिर है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी की है तो जाहिर है दाद देनी तो बनती है। जाहिर है खेल बने इसलिए सर एक ने जीतना है एक ने हारना है। तो कुछ लोग ये जो कह रहे हैं कि भाई आईसीसी की साजिश है या ये है वो है, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? और पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों साजिश है? हाँ ये पाकिस्तान और जो इंडिया का ना इनकी ऐसे होता है मैच जैसे जंग हो रही है इनकी, ठीक है सही जो बात सर नो डाउट है। ये जो हमारी ये जो आज की जो हुकूमत है मतलब पॉलिटिक्स है ये है ऐसी इस काबिले के अवाम जो है ना क्रिटिसाइज करती है, ठीक है अच्छी इमरान खान होते तो हमें कोई डाउट नहीं होता कि ऐसा होता कि हमारी टीम बिकाऊ हो सकती है। अभी डाउट है कि टीम बिकी है जी, हो सकता है ऐसा लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कुछ मतलब कुछ नहीं कंफर्म नहीं कर ऐसा कह सकते। ठीक है लास्ट में ये बता दें आने वाले जो मैच हैं क्या लगता है कि दोबारा हम फॉर्म में आ पाएंगे, हमारी टीम फॉर्म में आ पाएगी या ऐसे ही चलेगा काम? इंशाल्लाह क्यों नहीं, इंशाल्लाह अच्छी फॉर्म पकड़ेंगे और लेट्स सी अगले मैचों में आप देखेंगे भी अच्छा खेलेगी हमारी टीम। बाबर आजम उम्मीद है हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारे लिए करेंगे अच्छा, टीम को विन करवाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट दिल यही होता है पाकिस्तान का इंडिया का मैच हो और शोर हो बहुत मजा आए देखने का। परफॉर्मेंस जो सी इस दफ़ा इन्होंने बहुत ही वीक परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। हमारी जो सी टीम थी यही था कि उनकी बॉलिंग जो सी है बहुत अच्छी होगी मगर उम्मीद थी इस दफ़ा ये है कि परफॉर्मेंस उनकी नहीं अच्छी रही और जो सा पहला कैच है शहनशाह अफरीदी ने छोड़ दिया नसीम शाह का, ठीक है सात स्कोर थी और पहला कैच छोड़ दिया उधर से क्या दिल नहीं माना, मोटिवेशन थोड़ी कम हो गई। अच्छा, आपने बोला बॉलिंग पे बड़ी उम्मीद थी, नो डाउट हमें भी बॉलिंग पे बहुत उम्मीद थी लेकिन वो तो हम तो आउट ही नहीं कर पाए और ना कोहली को आउट कर पाए ना केएल राहुल को आउट, कोहली को आउट नहीं किया देखने उसने सेंचुरी कर दी है ऐसे ही है। कैच छोड़ने के यही चांस उन्होंने कैच छोड़ा उधर उसकी सेंचुरी हो गई है यही ये चीज। अगर विराट कोहली के बारे में बात करें हम तो वो जब भी उन्हें मौका मिलता है ना एक चांस मिल जाता है एक दफा उनका जो आउट होने से बच जाते हैं उसके बाद वो जैसे उनको चांस मिला है विराट कोहली को चांस मिला है देखें उसने सेंचुरी कर ली, केएल राहुल ने सेंचुरी कर ली और देखें रोहित शर्मा उसको भी चांस मिला था उसने 50 कर ली ठीक हो गया। और एक प्लेयर ने जो 5 आउट किए हैं उसके बारे में क्या, कुलदीप यादव के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मगर हमारी टीम जो थी इस दफा बहुत वीक जा रही थी। नहीं हमें तो ये बताया जा रहा था हमें तो मैच से पहले तक पाकिस्तान में ये बताया जा रहा था इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट टीम है। बस देखें बताया तो जा रहा था मगर परफॉर्मेंस इस दफा उन्होंने जो दी है बहुत ही वीक तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हमारी मतलब दिल मायूस हो गया। क्या परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की? क्या परफॉर्मेंस किया ही नहीं, जैसी परफॉर्मेंस जा रही थी देखने को दिल ही नहीं दिखा रहा मैच का, आउट पे आउट हो रहा है वीकनेस इतनी काफी ज्यादा बस। ठीक है दो खिलाड़ी हमारे जो है वो खेल ही नहीं आए इंजरी की वजह से। आप भाईजान आप इसके ऊपर क्या बात करेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो उनसे बैट्समैन है ना वो ऐसे गए हैं कि चल जाए तो चल जाए ना चले तो कोई इनके तुक्का ही है ऐसे ही है। इंडिया वाले चांद पे गए ही इसलिए है कि वहां से बारिश करवा देंगे साजिश कर देंगे जब भी पाकिस्तान मैच जीतने लगेगा। आपको लगता है इस तरीके से बस इंडिया जा सकता है ये हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं आ सकता? क्या लगता है चांद पे जाके बारिश करवाई है उन्होंने? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं उन्होंने चांद पे जाके कोशिश की है बारिश करवाने की मगर इस दफा नहीं हुई, हमने दुआएं की है बारिश हो जाए यही है कि मायूसी से बच जाएंगे बारिश हो जाए मगर नहीं वो हमारी टीम की इतनी वीकनेस थी दिल बहुत मायूस हुआ। अच्छा, ये भी एक कंसेप्ट रहा है कि जैसे दो दफा बारिश रही है आज भी कहीं बारिश और मैच जो उनसे कैंसल हो जाए बिस होने से बच जाए ना यही है मगर उन्होंने कितनी दफा बारिश होती रहती कब तक बचते हम इस तरह ही है बस है। क्या कहना चाहिए आज उनका दिन था इंशाल्लाह हमारा दिन होगा। आप क्या कहेंगे एक खिलाड़ी जो आपका बेस्ट खिलाड़ी है? मेरा तो रिजवान है, रिजवान है और इंडियन टीम में से इंडियन टीम में विराट कोहली। विराट कोहली आपका कौन सा है इंडियन में? बाबर आजम पाकिस्तान में सर इंडिया में विराट कोहली। ठीक है और ओवरऑल अगर कहें कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान को एक मिनट के लिए साइड पे रख दो ओवरऑल बेस्ट प्लेयर क्रिकेटर कौन सा है? बाबर आजम। बाबर आजम इंडिया पाकिस्तान को साइड पे एक मिनट के लिए रखते हैं बेस्ट प्लेयर कौन सा है? बाबर आजम। बाबर आजम है जब वो दूसरी हमारे पाकिस्तान की टीम की बारे आई है ना, ठीक है तो उस टाइम जो सूरज देख रहे थे ना जो हमारे अच्छे बेस्टमैन है जो इंडिया को कुछ नहीं समझते लेकिन वो इस तरह
तरह कारकर्दगी करेंगे ये कभी सोचा नहीं था। अच्छा, कौन से ऐसे बैट्समैन है हमारे जो इंडिया को कुछ नहीं समझते, मतलब इतने अच्छे बैट्समैन? ये जो फ्रंट पे आ जाते हैं, फखर जमान आ जाता है, बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन है, और इमामुल हक है, रिजवान है, यानी कि हमारे 5-6 जो बैट है ना बहुत अच्छे हैं। हम प्रेशर में नहीं आते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा प्रेशर में आ गए थे। प्रेशर में नहीं आते लेकिन आज कुछ ज्यादा प्रेशर में? हाँ जी, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी जो बैट्समैन है अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के साथ जब खेलते हैं ना ये प्रेशर में कभी नहीं खेलते। अच्छा, हाँ वो इंडिया जो है ना वो हमारे बैट्समैन से बॉलर से प्रेशर में आ जाते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, हार के भी हम कह रहे हैं कि इंडिया वाले प्रेशर में आते हैं, हम नहीं आते। हाँ जी, तो हार कैसे गए हैं? लेकिन यही हम खुद आवाम जो ना यही परेशान है कि हम आज हार क्यों गए हैं। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको लगता है कि यार बड़े दमदार प्लेयर हैं? विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जितने राहुल, हाँ जी जितने भी ये दमदम है यानी कि बेस्ट है, लेकिन हमारे जो बॉलर है शहनशाह अफरीदी है, आरफ रऊफ है, नसीम शिया है, इनकी जो बॉलिंग है ना ये 2-3-4 ओवर में इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, खींचने का मतलब है कि आउट कर देते हैं। तो आज क्यों नहीं आउट किया? आज हमें खुद नहीं समझ आई आज हुआ क्या कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं ये हमारी टीम है, इंडिया वाले से भी प्यार करते हैं, लेकिन इंडिया वाले से प्यार करते हैं, इंडिया वाले क्यों डरते हैं हमसे? इंडिया वाले डरते हैं, डरते हैं पाकिस्तान आने में। अच्छा, गेम में डरते हैं? हाँ, गेम में डरते हैं। ठीक है, क्यों डरते हैं? ठीक है, इंडिया जब भी आएगी इंशाल्लाह अच्छा वेलकम करेंगे, वो भी लोग हैं हम भी लोग हैं, लेकिन इंशाल्लाह मजा आएगा मैच का, हमारा भी दिल करता है यार इंडिया वाले इधर आए, उनको अच्छा प्रोटोकॉल दें। हम जब इंडिया जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, हाँ जी वो भी हमें अच्छा प्रोटोकॉल, ये मजा आता है, सियासत की सैर पे रखते हैं गेम को, गेम में। हाँ जी, नहीं आनी चाहिए ये ICC वाले को भी कहता हूँ, पाकिस्तान वाले को भी और इंडिया वाले को भी कहता हूँ। मतलब हार जीत होती है या हार जीत तो मुकद्दर का? बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो अल्लाह की तरफ से है, एक टीम हारेगी और एक जीतेगी, वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये परफॉर्मेंस की तरफ से परफॉर्मेंस हुई है, थोड़ी सी लूज हुई है इनकी, ना बॉलिंग चली है ना बैटिंग चली है, लेकिन जो भी है अल्लाह की तरफ से ही है। ठीक हो गया, जो भी अल्लाह की तरफ से है।